कोरोना महामारी से अभी देश पूरी तरह से उबर भी नहीं पाया था कि अब इसके नए सब वेरिएंट JN1 ने दस्तक दे दी। कोविड-19 के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर से देश के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के कुल 21 मामले सामने आ चुके हैं और धीरे धीरे ये बढ़ते ही जा रहे हैं। इस वजह से अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम बना दिए गए हैं। कोरोना के नए वेरियंट को देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। प्रशासन ने एक बार फिर से मास्क लगाने की हिदायत दी है और लोगों को भीड़भाड़ वाले इलाके में मास्क पहनने की सलाह दी है। साथ ही भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचने की हिदायत भी दी है। कर्नाटक में कोविड-19 के 20 नए मामले सामने आए हैं और इस महामारी के कारण 2 और लोगों की मौत हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने बुधवार को एक बुलेटिन जारी कर ये जानकारी दी। बुलेटिन के मुताबिक बेंगलुरु में 16 दिसंबर को 44 साल के एक मरीज की मौत हुई, जबकि 17 दिसंबर को 76 साल के एक मरीज ने दम तोड़ दिया। उनमें से एक मरीज में बीमारी के लक्षण नहीं थे, जबकि दूसरे मरीज को सांस लेने में समस्या थी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बुधवार को कहा कि कोरोना वायरस का नया उपस्वरूप JN1 संक्रामक है, लेकिन इसके लक्षण हल्के हैं और राष्ट्रीय राजधानी सरकार इससे निपटने के लिए पूरी तरह से सतर्क और तैयार है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी के बीच अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली सरकार जीनोम अनुक्रमण की निगरानी बढ़ाएगी। वहीं राजस्थान की बात की जाए तो जैसलमेर में कोरोना वायरस संक्रमण के 2 मामले सामने आए हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने बुधवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के JN1 स्वरूप के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट करार दिया है। WHO ने साथ ही कहा कि इससे वैश्विक जन स्वास्थ्य के लिए ज्यादा खतरा नहीं है। स्वास्थ्य सचिव सुधांशु पंत ने बताया कि केरल, महाराष्ट्र, झारखंड और कर्नाटक जैसे कुछ राज्यों में दैनिक पॉजिटिविटी रेट में वृद्धि देखी गई है। आने वाले त्योहारों और शादी के मौसम को देखते हुए राज्यों को सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय और अन्य व्यवस्थाएं करने की सलाह दी गई है।